हेलो एवरी वन वेलकम बैक टू माई चैनल आई एम रिया एंड इन दिस वीडियो वी आर गो वी आर गोइंग टू रीड द एन सी आर टी क्लास चैप्टर नंबर वन वेयर फूड वेयर डज इट कम फ्रॉम यानी कि जो हमारा फूड है वो कहाँ से आता है वेयर डज इट कम फ्रॉम सो लेट्स रीड द चैप्टर वट डिड यू ईट एट होम टूडे यानी कि आज आपने अपने घर में क्या खाया फाइंड आउट वट योर फ्रेंड ईट टूडे और ये भी फाइन कीजिए कि जो आज आपका फ्रेंड है उसने क्या खाया डिड यू ईट द सेम काइंड ऑफ फूड ये कि आप दोनों ने आज और कल एक जैसा फूड खाया वी ऑल ईट डिफरेंट काइंड ऑफ़ फूड एट डिफरेंट टाइम्स इजेंटेड हम लोग सब डिफरेंट काइंड का फूड खाते हैं डिफरेंट टाइम पे ये बात बिल्कुल तो सही है अब हम फूड की वैरायटी के बारे में पढ़ेंगे कि फूड की बहुत फूड बहुत सारी वैरायटी का होता है चलिए अब यही पढ़ते हैं ask your फ्रेंड्स इन द स्कूल अबाउट द आइटम्स दे वुड बी ईटिंग ड्यूरिंग a day. आप अपने फ्रेंड्स से पूछिए कि वो पूरे दिन भर में क्या खाता है सी इफ़ यू कैन ऑल्सो गेट दिस इन्फॉर्मेशन फ्रॉम फ्रेंड्स टेइंग इन डिफरेंट स्टेट्स ऑफ इंडिया अब ये वाली अगर आप करना चाहें इसमें आपको टेबल में लिखना है कि वो कौन कौन से फ़ूड आइटम्स खाता है पूरे दिन में अगर आप करना चाहें ये सिर्फ एक एक्टिविटी है आपकी मर्जी है वो अगर आप करना चाहें तो कर लीजिए हम आगे रीड करते हैं देयर सीम्स टू बी सो मच वेरा इन द फूड ईट जो फूड हम खाते हैं उसमें तो बहुत वेराइटी है यानी कि बहुत अलग अलग टाइप का फूड होता है वट आर दीज आइटम्स मेड आर लेकिन जो ये फूड है ये किन आइटम्स से बना रहता है थिंक अबाउट राइस को डैट होम अब आप राइस के बारे में सोचिए जो हम घर में पकाते हैं वी टेक रॉ राइस एंड बॉयल हम रॉ राइस लेते हैं और उसे वाटर में बॉयल कर देते हैं जस्ट टू मटीरियल्स और इन्ग्रीडियंट्स टू मटीरियल्स या इन्ग्रीडियंट्स चाहिए रहते हैं आर नीडीड टू प्रिपेयर अ डिश ऑफ बॉइल्ड राइस सिर्फ टू इंग्रेडिएंट्स चाहिए बॉयल्ड राइस को बनाने के लिए ऑन द अदर हैंड जबकि अदर हैंड में यानी कि दूसरी तरफ कुछ फूड आइटम्स ऐसे होते हैं जिसमें बहुत सारे इंग्रेडिएंट्स चाहिए जैसे कि जो वेजिटेबल करी होती है उसमें हमें डिफरेंट काइंड की वेजिटेबल चाहिए सॉल्ट चाहिए स्पाइसेस चाहिए अलग अलग टाइप के ऑयल चाहिए और भी बहुत सारी चीज़ें अब एक और एक्टिविटी है इसमें भी आपको टेबल है इसमें आपको एक साइड पे फूड आइटम लिखना उसके इंग्रेडिएंट्स लिखने हैं कि वो आइटम किन किन चीज़ों से बनता है हम आगे बढ़ते हैं फूड मटेरियल्स ये भी सब उसी में एक्टिविटी में इंक्लूडेड है तो हम आगे बढ़ते हैं फूड के जो मटेरियल्स हैं फूड मटेरियल्स और उसके सोर्स इनकी जो फूड में जो मटेरियल्स लगते हैं उनके वो हमें कहाँ से मिलते हैं इंग्रेडिएंट्स कहाँ से मिलते हैं हमें इट मे बी इजी फॉर अस टू गेट दोर्सेज ऑफ समीडियंट्स टू टेबल वन पॉइंट टू हमारे लिए बहुत ज़्यादा इजी होगा कुछ कुछ सोर्सेस को गैस करना जो हम फूड आइटम्स में डालते हैं जो हमने वन पॉइंट टू में फिल किए थे फ्रूट्स वेजिटेबल्स फॉर इंस्टेंस फिगर वन पॉइंट टू का ए वाला ये वाला वे डू दे कम फ्रॉम अब जो हमारा ये जो फिगर वन पॉइंट टू है इसमें जो थिंग्स दिखाई गई कहाँ से आते हैं फर्स्ट प्लांट्स है यहाँ आती है ना प्लांट्स के जो पेड़ होते हैं उन्हीं से तो आती है वॉट आर द सोर्सेज ऑफ राइस और फीट ट और राइस के क्या सोर्सेस हैं? यू मे हैव सीन पेडी और वीट फील्ड्स विथ रोज एंड रोल ऑफ प्लांट्स आपने पेडी और वीट के फील्ड्स देखे होंगे इन्ही से ही हमें ग्रेन्स मिलते हैं फिगर वन पॉइंट थ्री अब उसने हमें देखने के लिए कहा है यहाँ पर देख सकते हैं आप ये देखिए यहाँ पर ये फील्ड है ना इसी की वो बात करें इन्हीं फील्ड्स ये फील्ड्स में जो प्लांट्स लगाए गए हैं जब ये बड़े होते हैं तो इन्हीं से ही हमें ग्रेन्स मिलते हैं एंड देन देर आर फूड आइटम्स लाइक मिल्क एग्स एंड मीट विच कम फ्रॉम एनिमल्स जो मिल्क है जो एग है जो मीट है ये हमें एनिमल्स से मिलता है एंड नाउ अगेन एक्टिविटी आप इसको कर लीजिएगा अगर आपको करना है इसमें भी टेबल के बारे में ही है आपको टेबल भरना है हम आगे पढ़ते हैं वट टू वी कंक्लूड फ्राम एक्टिविटी थ्री हमें क्या पता चला एक्टिविटी थ्री से कि प्लांट्स जो हैं वो सोर्सेज है फूड इंग्रीडियंट्स के जैसे ग्रेन सीरियल वेजिटेबल्स और फ्रूट्स प्लांट्स से हमें क्या क्या मिलता है बहुत सारे इंग्रीडियंट्स मिलते हैं ग्रेन्स मिलते हैं सीरल्स मिलते हैं वेजिटेबल्स मिलते हैं फ्रूट्स मिलते हैं बहुत सारी चीज़ें मिलती है एनिमल्स हमें क्या देते हैं मिल्क देते हैं मीट देते हैं एग्स देते हैं और ये सब हमें कहाँ से मिलता है ये मिल्क वगैरह कौन से मिलते हैं काओ से गोट से बफेलो से आर सम कॉमन एनिमल्स विच के वस मिल्क ये सब हमें मिल्क देते हैं मिल्क मिल्क और मिल्क प्रोडक्ट्स जो होते हैं मिल्क प्रोडक्ट्स कौन कौन से बटर है क्रीम है चीज़ है कट और आर यूज ऑल ओवर द वर्ल्ड ये सब चीज़ें पूरे वर्ल्ड में यूज़ की जाती हैं कैन यू नेम अदर एनिमल्स विच के वस मिल्क क्या आप कुछ एनिमल्स के नेम बता सकते हैं जो हमें मिल्क देते हैं जो अभी ऊपर लिस्ट की उनके अलावा प्लांट के पार्ट्स और एनिमल्स प्रोडक्ट्स हम अब पढ़ेंगे प्लांट्स के पार्ट्स के बारे में और एनिमल्स प्रोडक्ट्स जो हमें फूड देते हैं प्लांट्स आर वन सोर्स ऑफ आर फूड जो प्लांट्स हैं वो हमारे लिए सोर्स है फूड का विच पार्ट्स ऑफ प्लांट वी ईट विच पार्ट्स ऑफ अ प्लांट Which parts of a plant. कौन कौन से जो होते के उसमें हमारे जो होते बहुत सारी खाते हैं। जैसे राइस है राइस वो वो वाली राइस नहीं जो सब्जी वाली राइस होती है वो वाली राइस की यहाँ पर बात कर रहे हैं we, we हम फ्रूट्स भी खाते हैं कुछ प्लांट्स के समटाइम्स रूट समटाइम्स रूट समटाइम्स स्टेम्स एंड इवन फ्लावर्स फिगर वन पॉइंट सॉरी यस फिगर वन पॉइंट फोर यहाँ पर आपको पूरे प्लांट के हर पार्ट के बारे में यानी कि कहाँ पर कौन सा पार्ट होता है उसके बारे में बताया गया है अभी हम इसको रीड करेंगे हर प्लांट के बारे में सम हैव यू एवर ईटन इन फ्लावर्स टिप डेप्ड इन राइस पेस्ट एंड फ्राइड क्या आपने कभी पम्पिन खाया है ट्राईट ऐसा कुछ ट्राई करने के लिए बोल रहे आप चलिए हम पढ़ते हैं फ्लास्क के पार्ट्स के बारे में सबसे पहले उसके बाद हम आगे बढ़ेंगे ये वाला जो है इसे हम कहते हैं फ्लार फ्लार है ये वाला और ये वाला जो है ये ये यहाँ पर फ्लास्क जो प्लांट है उसका फ्रूट है और ये वाला जो हिस्सा ये है स्टेम सॉरी ये वाला जो पार्ट है ये स्टेम है स्टेम है ये और ये है हमारी लीफ प्लांट की जो लीफ है ये वो है और यहां पर जो छोटी सी कलीस निकली हुई है ये हमारी बड है इसे बड कहते हैं और नोड है इंटर नोड है नोड है इंटर नोड है और ये जो लीव्स, फ्लावर स्टेम और स्टेम है नोड एंड ये सब हमारा क्या है शूट सिस्टम है शूट सिस्टम में आ जाते हैं ये सब प्राइमरी रूट्स होती हैं और सेकेंडरी रूट्स होती हैं ये टू टाइप्स की रूट्स होती हैं प्राइमरी रूट्स और सेकेंडरी रूट्स का जो सिस्टम होता उसे है उसे रूट सिस्टम बोलते हैं अपर हैं आगे सम प्लांट्स हैव टू और मोर सम प्लांट्स हैव टू और मोर edible, eatable प्लाट्स यानी कि एक से ज़्यादा भी किसी प्लांट में ऐसे पास हो सकते हैं जिसमें फ्ला जिसमें ऐसी चीज़ें निकलती हैं जिन्हें हम खाते हैं सीड्स ऑफ मस्टर्ड प्लांट्स के बस ऑयल एंड द लीव्स आर यूज एज अ वेजिटेबल जो मस्टर्ड प्लांट होता है उसके भी टू पार्ट्स होते हैं जो हमें कुछ देते हैं एक तो ऑयल निकलता है और जो उसकी लीवस होती है वो वेजिटेबल के यूज में आती है कैन यू थिंक ऑफ़ द डिफरेंट पार्ट्स ऑफ बनाना प्लाट आर यूज एज फूड या बनाना के पार्ट डिफरेंट पार्ट्स यूज किए जाते हैं फूड में थिंक ऑफ मोर एग्ज़ाम्पल्स या टू और मोर पार्ट्स ऑफ अ सिंगल प्लांट आर यूज एज फूड वही है कि आपको सोचिए और एग्ज़ैम्पल्स लीजिए और ऐसे प्लांट्स के जिसमें एक से ज़्यादा ऐसे पार्ट्स होते हैं जिनसे हमें कुछ चीजें मिलती है जैसे हमारा जो मस्टर्ड है उसी टाइप के हमें और भी देने हैं नोन प्लांट्स यानी कि हमें कभी भी जो अनोन प्लांट्स होते हैं उन्हें टेस्ट करके नहीं देखना चाहिए क्योंकि कुछ प्लांट्स के जो लीव्स होते हैं वो बहुत ज्यादा पॉइजनस भी हो सकते हैं जैसे यहाँ पर देखिए ये एक गर्ल है और एक यहाँ पर ये बॉय है ये जो गर्ल है वो उसे खा रही है लेकिन हमें ऐसे टेस्ट कभी नहीं करना चाहिए बिकॉज़ क्योंकि कुछ प्लांट्स होते हैं वो पॉइजनस हो सकते हैं और ये हमें हार्म भी पहुँचा सकते हैं या हम हमारी डेथ भी हो सकती है सो वी शुड नेवर टेस्ट दीज टाइप्स सॉरी

उनके इंग्रेडिएंट्स जो हमें प्लांट से ऑप्टेन होते हैं विच पार्ट ऑफ अ प्लांट किस प्लांट के किस पार्ट से हमें उनके इंग्रेडिएंट्स मिलते हैं आइडेंटिफाई दीज एंड लेस द फूड आइटम्स एंड प्लांट पार्ट्स एज शोन इन टेबल वन पॉइंट फोर ये भी एक्टिविटी है ये आप करें करना चाहे तो कर लीजिए आपकी मर्जी डू यू नो वेयर हनी कम्स फ्रॉम और हाउ इट इज़ प्रोड्यूस क्या आप जानते हैं कि जो हमारा हनी है जो हम लोग हनी खाते हैं हमारे घर में वो कहाँ से आता है और कहां पर प्रोड्यूस होता है हैव यू सीन अ beehive where some many where so many जो आपने कई बार देखा होगा कि जो beehives होती हैं, उसमें तो बहुत सारी जो बीज़ होती है वो बस 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 उसी के आसपास घूमती रहती है जो बीज़ होती है वो अपने नेक्टर से जो बीज होती है वो नेक्टर कलेक्ट करती है यानी कि जो फ्लावर्स फ्लावर्स के आसपास भी आपने देखा होगा अलग अलग टाइप्स के उसके सामने भी वो घूमती रहती हैं और उसमें स्वीट जूसेस कलेक्ट करती हैं फ्रॉम फ्लावर्स एंड कन्वर्टेड इन टू हनी एंड स्टोर इट इन देर हाइफ और उसके बाद उन्हें वो कलेक्ट कर कर उससे हनी बनाती है उसके बाद उसे स्टोर करती है अपने हाइफ में फ्लावर्स एंड देर नेक्टर मे बी अवेलेबल ओनली फॉर अ पार्ट ऑफ द ईयर जो फ्लार और उनके नेक्टर है वो अवेलेबल होते हैं एक पार्ट बे कब से कब एक साल तक पार्ट ऑफ द ईयर सो बीज स्टोर दिस नेक्टर फॉर देयर यूज़ ऑल थ्रू द इसीलिए जो बीज होती है वो इतना हडी बढ़ा लेती है एक बार ये वे कि वो उनके पूरे साल के लिए चल जाए स्टोर कर लेती है पूरे ईयर के लिए वेन वी फाइंड सच अ बी अव वी कलेक्ट द फूड स्टोर बाय बीज आसानी जब भी हमें ऐसा कुछ दिखता है तो हम क्या करते हैं कि जो बीज ने जो हनी बनाया था उसे हम अपने लिए रख लेते हैं अब हम कि जो एनिमल्स होते हैं वो क्या खाते हैं इसके बारे में अब हम पढ़ेंगे डू डू यू हैव अ केटल और अ पेट दैट यू टेक केयर ऑफ क्या आपके पास कोई केटल है आपके घर में अ डॉग कैट बफेलो और अ गोट या कोई डॉग या कैट या बफेलो या गोट है आपके पास यू विल देन श्योरली बी अवेयर ऑफ द फूड इस अगर होगी आपके पास तो आपको उसके खाने के बारे में पता होगा क्या एनिमल क्या वॉट अबाउट अदर एनिमल्स है ऑब्जर्वड वॉट अ स्क्रल पिजिन और स्मॉल इंसेक्ट में बी ईटिंग एज फूड क्या स्क्वेरल पिजन और जो लिजर्ड है वो क्या खाते होंगे और जो स्मॉल इंसेक्ट्स है वो क्या खाते होंगे यहाँ पर एक और एक्टिविटी है ये भी आप कर ये भी आप देख लीजिएगा अब यहाँ पर आपको हर्बी वोरस कार्निवोरस और ओमनी वोस के बारे में बताया गया इस एक्टिविटी में तो मैं आपको वैसे ही बता देती हूँ बिना पड़े कि जो हर्बी वोरस होते हैं वो प्लांट ईटिंग एनिमल्स होते हैं यानी कि वो सिर्फ प्लांट्स खाते हैं जैसे डियर है हमारा डियर काओ है और कार्निवोरस वो होते हैं जो मीट ईटिंग एनिमल्स होते हैं जैसे टाइगर है हमारा टाइगर टाइगर लायन ये सब ओमनी जो होते हैं वो कार्निवोरस को खाते हैं है ना कॉर्नी को जो खाते हैं यानी कि वो मीट ईटिंग एनिमल्स होते हैं ओमनी भी जैसे ओमनी में आ गया हमारा वाल्चर ईगल ये सब आ गए तो सिंपली मैं आपको बताऊं कि हर्बी बोरस कार्निबोरस और ओमनी में से जो कार्निवोरस होते हैं वो खाते हैं हर्बी को और जो ओमनी होते हैं वो खाते हैं कार्निबोरस को सिंपली और हर्बी क्या खाते हैं प्लांट्स खाते हैं प्लांट्स खाते हैं वो उसके बाद प्लांट्स वोरस को खाते हैं कार्निवोरस को खाते हैं ओमनिवरसू आपको अब आ गया होगा अच्छे से समझ में हर्बी वोरस और ओमनिवर्स के बीच में डिफरेंस समझ में आ गया होगा पहली वॉन्ट्स टू नो वेयर यू वुड प्लेस ह्यूमन बींग्स वाइल फिलिंग टेबल पहली है उसे जानना है कि जब हम टेबल वन पॉइंट सिक्स जो है उसे फिल कर रहे हैं जहा पर हबी बुरु कानी बुरु तो हम ह्यूमन को कौन सी कैटेगरी में डालेंगे वी नो दैट देर आर मेनी अमंगस्ट अस हु डू नॉट गेट सफिशियंट फ़ूड वी नीड टू फाइंड वेज बाय विच मोर फूड कैन बी प्रोड्यूस। हमें ऐसी वेस्ट फाइंड करनी चाहिए जिससे फूड और ज़्यादा प्रोड्यूस हो सके हमारी कंट्री में दैट विल नॉट बी इनफ वी विल नीड टू फाइंड ए वेस्ट टू इंश्योर दैट दिस फूड इज़ मेड इजिली अवेलेबल टू ईच वन ऑफ अस हम इतना फूड प्रोड्यूस करना चाहिए कि किसी के पास कमी ना रहे फूड की और हर कोई हर किसी के पास इजीली अवेलेबल हो फूड खाने के लिए हमारी तरह सो आई होप गाइस दैट इज क्लियर टू यू ऑल आई विल मीट यू ऑल इन माय नेक्स्ट वीडियो टिल देन बाय एंड टेक केयर एवरीवन